नमस्कार दोस्तों, देखिए हम करेंगे आज कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में मैं सिंपल सिंपल आपको समझाऊंगा और आपको बस समझना है, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग है चैप्टर का नाम, और अक्सर को इसमें तीन पार्ट हम पढ़ते हैं। तीन तरह से पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तो होता है अक्सर कोडिंग और दूसरा होता है संख्या कोडिंग, तीसरा नंबर होता है हमारा मिश्रित कोडिंग। अक्सर कोडिंग में हम क्या समझते हैं कि इसमें एक पैटर्न, एक शब्द दिया जाता है, और उस शब्द को उस पैटर्न के आधार पर समझकर हम दिए गए तीसरे शब्द का आंसर निकालते हैं। एक लॉजिकल, जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है उसी आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। अब इसमें अक्सर कोडिंग में सात तरह के पैटर्न होते हैं। एक फॉरवर्ड पैटर्न होता है, एक रिवर्स पैटर्न होता है, क्रॉस पैटर्न होता है, एक पोजिशन पैटर्न होता है, विपरीत अक्सर पैटर्न, कॉमन पैटर्न और इलॉजिकल और अमान्य पैटर्न। ये सात हमारे पैटर्न होते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, इस पैटर्न में पहला अक्षर पहले से और दूसरा अक्षर दूसरे से और तीसरा अक्षर तीसरे से इस तरह से सीक्वेंस में होंगे कि एक लॉजिकल सीक्वेंस का पालन करते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मान सकते हैं कि हम प्लस वन भी हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, प्लस टू हो सकता है, प्लस थ्री हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, माइनस थ्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर भी हो सकता है, या फिर प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन, प्लस वन भी हो सकता है, या फिर माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू भी हो सकता है, या फिर माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री भी हो सकता है, या फिर माइनस फोर, माइनस फोर, दो अक्षरों में माइनस फोर कर दिया, फिर माइनस टू, माइनस टू, यहाँ दो अक्षरों माइनस टू कर दिया, और फिर जो पांचवें नंबर का जो अक्षर आएगा इसमें माइनस फोर भी हो सकता है। इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मिश्रण होगा एक, हम उसे समझेंगे, उस पैटर्न को समझेंगे, उसके सीक्वेंस को समझेंगे। सीक्वेंस को समझने के बाद हमें उस दिए गए तीसरे संकेत, जो भाषा में हमें शब्द दिया गया है, उसका हम आंसर निकाल लेंगे। और इस क्वेश्चन को एक तो इस तरह भाषा में दिया जाता है और एक इस तरह समरूपता में दिया जाता है, ये अनुपात समानुपात के चिन्ह लगाकर, ठीक है। इसे समरूपता बोलते हैं, समरूपता में ये क्वेश्चन दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम में घबराए ना, अगर इस हम इसका संबंध इस वाले शब्द से देखते हैं और इस वाले जो शब्द को दे रखा है इसका हमें निकालना है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये जहाँ ये आ जाता है ये डबल प्रोपोर्शनल आ जाता है चिन्ह, तो यहाँ पर एक ये शब्द अलग हो गया और ये शब्द अलग हो गया, ये इसका मतलब होता है, मतलब इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं इसने दिया गया हमें क्वेश्चन में पी ए डब्ल्यू ए एन को क्यू बी एक्स बी ओ लिखा जाता है। अब हमें देखना है जे ए एम यू एन को किस प्रकार लिखा जाएगा। हम देखते हैं कि पी ए डब्ल्यू ए एन को प्लस वन जैसे पी क्यू ए बी डब्ल्यू एक्स ए बी एन ओ, मतलब प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो रहा है। अब प्लस वन हो रहा है तो हमें यहाँ भी प्लस वन करना है। जे का हो जाएगा के, ए का हो जाएगा, जे का हो जाएगा के, ए का हो जाएगा बी, एम का हो जाएगा एन और यू का हो जाएगा वी और एन का हो जाएगा ओ, ठीक है, ओ लिखा जाता है। इस तरह से हमें ये आंसर निकल गया हमारा, क्या निकला हम देखते हैं। यहाँ हमें हल भी दिया हुआ है, जैसे जे का के प्लस वन गया तो के आ गया, और ए जे का नंबर टेन होता है, ए का नंबर वन होता है तो ये बी हो गया, ठीक है, प्लस वन कर दिया। एम होता है तेरह, और तेरह में एक जोड़ दिया तो हो गया चौदह, तो एन हो गया, एन का नंबर चौदह, एन का नंबर होता है चौदह। यू होता है इक्कीस, इक्कीस प्लस वन कर दिया तो ये हो गया बाईस, बाईस होती वी एन, एन प्लस वन है तो अगर एन चौदह है तो एक प्लस कर दिया और पंद्रह हो गया, जब पंद्रह हो गया तो ये हो गया ओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो को इस प्रकार लिखा जाता है कि क्वेश्चन नंबर दो को इस प्रकार लिखा जाता है कि इस निश्चित सांकेतिक भाषा में आर ओ ए डी को यू आर डी जी लिखा जाता है, तो एस डब्ल्यू ए एन को क्या लिखा जाएगा। हम यहाँ देखते हैं आर, आर आर का नंबर होता है अट्ठारह, और आर का नंबर अगर अट्ठारह होता है तो यह आ गया हमारा यू, तो ये हो गया प्लस थ्री, ठीक है। ओ, ओ होता है हमारा पंद्रह और आर हो गया अट्ठारह, पंद्रह प्लस थ्री होता है अट्ठारह, ठीक है, आर आ गया। तो ए, ए देखते हैं वन और डी प्लस थ्री, डी होता है फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन मतलब जी। तो ये हमने देखा है कि प्लस थ्री का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया है कि आर प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री का पैटर्न
फॉलो कर रहा है। अब हम इस क्वेश्चन में जो हमें एस डब्ल्यू ए एन को निकालना है, हम प्लस थ्री ही करेंगे पूरे अक्षर में। जैसा सीक्वेंस यहाँ होगा ऐसा ही सीक्वेंस हम इसमें फॉलो करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, एस डब्ल्यू ए एन को लिखेंगे, एस डब्ल्यू ए एन को लिखेंगे, एस प्लस थ्री कर देंगे तो ये हो जाएगा 22, 22 हो जाएगा। तो 22 नंबर होता है वी का, और वी इसमें भी है, वी इसमें भी है, वी इसमें भी है, पर यू ये गलत हो गया, इसमें यू है तो ये ऑप्शन ही कट गया। अब हमारे पास बचे तीन ऑप्शन। अब डब्ल्यू होता है 23, और 23 प्लस थ्री होता है 26। अब 26 नंबर होता है जेड का, इसमें जेड नहीं है तो ये भी ऑप्शन गया। अब ये बचा जेड, यहाँ भी जेड है, ठीक है, हम दोनों ऑप्शन को लेकर चलेंगे। ए प्लस होता है ए वन, वन प्लस थ्री फोर, यहाँ आएगा डी, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही, यहाँ गया डी। अब जब डी आया यहाँ पर है तो ये जेड, बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब इस तरह का सीक्वेंस है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, ये फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है। फॉरवर्ड पैटर्न में इसी तरह होगा, या तो प्लस टू माइनस थ्री, प्लस टू माइनस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री, इस तरह से सीक्वेंस होगा। हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे चार, क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार देखने पर हमें दिखाई देता है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को बी एल क्यू एस जे डी डब्लू लिखा जाता है, तो पी आर ओ जे ई सी और टी को कैसे लिखेंगे। तो डी और बी, ये माइनस टू हुआ, आई होता है नाइन, नाइन और ये एल, एल ट्वेल्व होता है, नाइन प्लस थ्री ये हो गया एल, और एस होता है उन्नीस और क्यू होता है सत्रह, यह मतलब उन्नीस सत्रह माइनस टू, उन्नीस में से सत्रह गए तो माइनस टू बचेगा। पी होता है हमारा सोलह और सोलह प्लस, पी होता है हमारा सोलह और सोलह में हम भी किया एस, तो सोलह में जब एस किया तो तीन प्लस हो गया, ठीक है। अब हो गया हमारा एल, एल होता है बारह और बारह माइनस टू जे हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी मैं समझाया, जैसे डी, डी में क्या गया हमने माइनस टू, माइनस टू, अब यहाँ हो गया बी, बी आ गया। अब ये आई है और आई को एल लिखा है तो प्लस थ्री किया, माइनस टू किया, प्लस थ्री किया, माइनस टू किया, प्लस थ्री किया, माइनस टू किया, इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस बना लिया। अब हम यहाँ भी जो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है ना, यहाँ इसका हमें आंसर निकालना है, इसको निकालना है हमें, तो इसका लिखना है पी, पी माइनस टू, तो सोलह माइनस टू हो जाएगा 14, 14 होता है n, n n n सभी में n है। अब यहाँ से देखते हैं r, r प्लस थ्री करते हैं तो ये होगा हमारा, r होता है 18, 18 और दो ये हो जाएगा 21। अब 21 होता है u, u इसमें भी है, u इसमें भी है, लेकिन t है और यहाँ भी t है, दोनों ऑप्शन तो गए कट। अब हम यहाँ देखते हैं, हमारा बना U, ठीक है। अब O, O को लिखेंगे माइनस टू, तो O का नंबर होता है 15। अब 15 में से माइनस टू करेंगे तो आएगा 13 हो जाएगा। अब 13 होगा तो M आएगा, M यहाँ इसमें भी है और N है यहाँ पर और यहाँ M है, तो ये हो गया गलत, ये तो ऑप्शन हो गया हमारा सही, और आंसर हम निकाल लेंगे इस तरह। फिर J है हमारे पास, तो J को लिखेंगे प्लस थ्री तो ये M आ जाएगा। अब E है, E होता है पाँच नंबर, पाँच माइनस टू, एक सीक्वेंस को फॉलो करना है हमें इस तरीके से, माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू, इस तरह से हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो C प्लस थ्री हो गया, C प्लस थ्री हो गया तो F आ गया, ठीक है। C होता है तीन और तीन प्लस थ्री छः होता है और छः होता है F। अब T, T माइनस टू, अट्ठारह आएगा, बीस में से माइनस दो गए तो आएगा अट्ठारह, अट्ठारह पर होता है R, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पैटर्न देखते हैं। इस पैटर्न में इसी तरह के सवाल होंगे, माइनस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, इस तरह से ही हम हर सभी क्वेश्चनों को कर देंगे। अब हम देखते हैं रिवर्स,
पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है? इस पैटर्न में, पहला अक्षर आखिरी अक्षर से दूसरा अक्षर आखिरी दूसरे अक्षर में बदले जाते हैं, और इस तरह सारे अक्षर बदल दिए जाते हैं। जैसे ये पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा अक्षर। इस अक्षर को हम सीधे यहाँ लेके गए लास्ट में, और फिर ये जो दूसरा अक्षर है, इस अक्षर को हम दूसरे लास्ट में लेके गए। मतलब क्वेश्चन के जो अक्षर है वो चेंज नहीं हुए, उनकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, ये अक्षर बिल्कुल लास्ट में चला गया दूसरे नंबर का, उससे पीछे। अब ये तीसरा नंबर है, इसको ये डाउन कर दिया, तीसरा नंबर आ गया। अब ये अक्षर है तो ये इसके बाद आ गया, और पांचवा अक्षर है ये बिल्कुल शुरू में आ गया। इस तरह का ही इस पैटर्न में लॉजिक फॉलो होता है, और ये इसी लॉजिक पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में एस एच वाई ए एम को जे एक्स वी ई और पी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पी आई एन के यू को कैसे लिखा जाएगा? तो एस को हम सीधा इधर लेके जाएंगे, एस होता है 19, एस होता है 19। अब एस होता है 19, और 19 माइनस 3 किया तो ये बन गया हमारा पी। हमें लास्ट में देखना है। ठीक है, एच हमारा 8 है, यहाँ देखते हैं। देखो एस होता है 19, 19 माइनस 3 कर दिया, तो यहाँ हमने देखा पी। पी देखते ही हमने क्या किया, पी का नंबर 16 होता है, 19 में से माइनस 3 हुआ तो पी हो गया 16। अब एच, को देखते हैं, और फिर ई, एच होता है 8 और ई होता है 5, तो ये अक्षर क्या हुआ हमारा, ई आया। माइनस 3 करेंगे तो 25 में से माइनस 3 गए वाई पर, तो 22 वी आ गया। और ए, माइनस 3 है 1, ए का नंबर 1 है, और माइनस 3 हुआ तो ये आ गया 27 माइनस 3 24 एक्स। एम, हमारा 13 है, माइनस 3 किया तो 10 आ गया, अक्षर हो गया जे। तो इस तरह भी सीक्वेंस पैटर्न होता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस अक्षर में किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में एच ए आर वी ई एस टी को वी यू जी एक्स टी सी जे लिखा जाता है, तो एच, होता है हमारा 8, 8 प्लस 2 करा तो आ गया जे। ए, होता है 1, 1 प्लस 2 करा तो सी। आर, हमारा होता है 18, 18 प्लस 2 किया तो टी, 20। अब वी, होता है 22, और 22 प्लस 2 किया तो 24। इस तरह से फॉलो सीक्वेंस हो रहा है। अब ई, होता है 5, और 5 प्लस 2 तो जी हो गया 7। एस, होता है 19, 19 प्लस 2 होता है यू। और टी, होता है 20, और प्लस 2 किया तो होगा 22। इस तरह से हमें इस वाले पैटर्न में भी यही सीक्वेंस फॉलो करना है। जैसे एफ,
यहाँ हमने प्लस टू किया था, एफ एफ होता है सिक्स, सिक्स प्लस टू होगा हमारा एट, एट आएगा एच, एच एच को लिखेंगे बिल्कुल लास्ट में जाकर, एच को बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे जाकर, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एच, एच को लिखा बिल्कुल लास्ट एच, ठीक है। ये देखो एच को बिल्कुल लास्ट में लिखा गया है। अब ए, ए का नंबर होता है वन, और वन प्लस टू करेंगे तो सी आएगा, और हम जैसे बिल्कुल क्रॉस रिवर्स पैटर्न पढ़ रहे हैं तो ये चिन्ह हमारा पीछे चला जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा। अब आर अट्ठारह, अट्ठारह प्लस टू करेंगे तो हमारा आएगा ट्वेंटी, ट्वेंटी लिखेंगे, ट्वेंटी लिखेंगे तो टी आएगा। एम, एम होता है तेरह, तेरह प्लस टू, तेरह प्लस टू होता है पंद्रह, ठीक है। अब ई, ई प्लस ई होता है फाइव, फाइव प्लस टू होता है सेवन, सेवन के नंबर का आता है जी, ये आ गया। आर होता है अट्ठारह, अट्ठारह प्लस टू होता है ये होगा ट्वेंटी। तो इस क्रॉस पैटर्न रिवर्स में ये इस तरह से शुरू का अक्षर लास्ट में चला जाता है। अगर उसमें प्लस प्लस माइनस हो रहा है, प्लस वन हो रहा है या माइनस वन हो रहा है तो प्लस माइनस वन भी हो सकता है। ये होता है इस पैटर्न में, रिवर्स पैटर्न में। अब आता है हमारा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में क्या होगा, क्रॉस पैटर्न में इस पैटर्न में युग्म बनाकर क्रॉस किया जा सकता है। इसमें कई तरह की व्यवस्थाएं बन सकती हैं, जैसे पहली व्यवस्था छः अक्षर दे रखे हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः, तो हमने दो और दो और दो, दो दो के पेयर बनाए। दो अक्षरों के पेयर बनाने के साथ हमने क्या किया, पहले अक्षर को दूसरे और दूसरे अक्षर को पहले के साथ आपस में बदल दिया, पहले अक्षर को दूसरे और दूसरे अक्षर को पहले के साथ में बदल दिया, पहले अक्षर को दूसरे और दूसरे को पहले अक्षर के साथ में बदल दिया। एक तो हो गया फॉलो ये। अब हमारा एक पैटर्न होता है ये, जैसे इसमें भी छः शब्द हैं, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, इसमें तीन तीन के पेयर बनाए। इस पेयर को फर्स्ट को थ्री के साथ बदला, सेकंड सेकंड के साथ, और थर्ड हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। अब इस तरह ही इसमें करेंगे, फर्स्ट गया बिल्कुल थर्ड पर, सेकंड सेकंड पर रहा और थर्ड हो गया फर्स्ट। दो युग्म बनाकर, एक पहला युग्म और एक दूसरा युग्म, इस तरह से हमने इसको हल कर लिया। अब एक पैटर्न ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर अक्षर हैं, फर्स्ट लिया थर्ड पर गया, थर्ड लिया तीन का युग्म बनाया और जो एक बाकी बचा वो वहीं रह गया। इसमें कई तरह के पैटर्न बन सकते हैं, किसी भी प्रकार से हम पैटर्न को चेंज कर सकते हैं जो सीक्वेंस में दिया गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे सांकेतिक भाषा में डी ए एन सी ई आर को डी जी ई पी एस एफ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पी यू बी एल आई सी को क्या लिखा जाएगा। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन है ये, डी को प्लस थ्री किया और जी के साथ बदल दिया, ए को प्लस थ्री किया और डी के साथ बदल दिया, एन को प्लस टू किया और पी के साथ सोलह बना के चेंज कर दिया, सी, सी होता है तीन और तीन में प्लस टू किया और हमारा आ गया ई, ई नंबर होता है फाइव। अब हमारा ई, ई होता है फाइव और प्लस वन कर दिया, यहाँ माइनस थ्री, यहाँ प्लस थ्री किया, यहाँ प्लस टू किया, प्लस वन किया, कुछ भी कर सकता है यार। इसमें हम सीक्वेंस को पकड़ेंगे और क्वेश्चन को उसी तरह से हल करेंगे। अगर यहाँ प्लस वन किया है तो हम हमारे दिए गए सॉल्यूशन में प्लस वन ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये इसने चेंज कर दिया। अब पी, पी होता है सोलह, अब हमारा वहाँ प्लस हुआ था तो हम इसमें भी प्लस ही करेंगे, प्लस ही चेंज करेंगे, तो पी सोलह, सोलह प्लस थ्री होता है उन्नीस। अब क्रॉस है तो उन्नीस हमारा एस हो गया, एस हो गया। अब है इक्कीस, इक्कीस पे आता है यू, यू प्लस थ्री, इक्कीस प्लस थ्री होता है चौबीस, चौबीस होता है एक्स, तो एक्स आ गया। अब दूसरा युग्म ले लेंगे तो दूसरे युग्म में बी लिखा हुआ है टू,
बी का होता है टू, टू प्लस टू, जैसे ऊपर टू किया था ऊपर यहाँ भी टू किया, टू और टू होता है फोर, फोर होता है डी, और बारह और बारह, बारह प्लस टू होता है चौदह, तो चौदह को लिखा एन। और यहाँ पर है आई, और आई का नंबर होता है नाइन, नाइन में हमने प्लस वन किया, जैसे वहाँ प्लस वन किया था ऐसे यहाँ प्लस वन किया, तो इसको भी क्रॉस में लेकर चले गए, और यह होगा हमारा टेन। टेन नंबर होता है जे। अब सी, सी को लिखा गया हमें थ्री, थ्री प्लस वन, अब जब हमने थ्री में प्लस वन किया तो आ गया डी, डी का नंबर होता है फोर। इस तरह से हम क्रॉस पैटर्न भी कर सकते हैं। अब इस तरह से भी एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे क्वेश्चन है हमारा ये, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में V E N T U R E को C U Z X Q C Q लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में P A I N T E R को क्या लिखा जाएगा। हमने यहाँ, हम इसमें फॉलो करेंगे, तो इसने पहले क्या किया, दो के युग्म बनाए, और फिर जो बचे थे तीन, इन तीनों के युग्म बनाए, और जो लास्ट में दो बचे उनके दोनों के युग्म बनाए। इस तरह से इन्होंने पैटर्न को फॉलो किया। जैसे V, V होता है हमारा बाईस, अब 22 वी होता है, लेकिन वी चला गया 21, 22 माइनस वन, 22 माइनस वन हुआ तो हमारा हुआ 21, ई होता है 5, और 5 माइनस टू होता है 3, 3 होगा हमारा सी। अब एन, एन होता है 14, 14 प्लस 3 होगा हमारा 17, 17 पे हमने क्यों लिख दिया, लेकिन क्रॉस में लेके गया, तो हम क्रॉस का ही आगे जो पैटर्न करेंगे हम आंसर निकालने के लिए, वो क्रॉस में ही करेंगे। अब टी, टी प्लस फोर होता है, और 20, टी 20 प्लस फोर और 24, 24 हमारा सीधा बिल्कुल 24 एक्स आएगा। अब यू, यू होता है 21, 21 प्लस 5 कर दिया, 21 प्लस 5 होगा 26, 26 होगा हमारा जेड। अब आर, आर होता है 18, 18 माइनस 1 किया तो आ गया 17, 17 होता है क्यों। अब आ गया ई, ई हमारा होता है माइनस टू, और टू माइनस किया तो माइनस हो गया, ये हो गया थ्री, थ्री हो गया सी। अब इसका हमें जो आंसर निकालना है वो इस तरह से ही निकालेंगे, जिस तरह से सीक्वेंस फॉलो किया गया है। जैसे पी, पी होता है 16, 16 हमने यहाँ माइनस किया था 1, तो यहाँ हम माइनस 1 ही करेंगे, 16 माइनस 1 हो गया 15, 15 हो गया ओ। अब ए, ए हो गया हमारा माइनस 2, अब ए और ये हो गया 25 माइनस 2, 27 माइनस 2 हो गया 25, जब ये होता है और हमें घटाना होता है तो हम 27 में से घटाएंगे, 27 माइनस 2 हो गया 25, 25 का आ गया वाई। अब सीक्वेंस उसी तरह से सीक्वेंस करेंगे जिस तरह से तीन को युग्मों का पेयर बनाया, तीन युग्मों का पेयर बनाया और फर्स्ट अक्षर को थर्ड के साथ जोड़ दिया। जैसे आई, आई होता है 9, आई जब 9 होता है तो प्लस 3 कर दिया, और प्लस 3 करने पर एल हो गया 12, ठीक है। एन, एन हो गया हमारा 14, 14 प्लस 4 हो गया हमारा 18, और 18 का बनेगा आर। टी होता है 20, और 20 प्लस 5 हो गया 25, 25 का आएगा वाई। ई, ई होता है माइनस 1, तो ई का हो गया 4, और 4 पे होगा हमारा डी। आर होगा 18, 18 माइनस हो गया 2, तो ये होगा 16, 16 हो गया P। तो इस तरह से ये हमारा क्रॉस पैटर्न भी ख़त्म हो गया, तीन पैटर्न हमने कर दिए ख़त्म। पहले होगा, पहला पैटर्न हमारा है रिवर्स, पहला हमारा है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पैटर्न, और फिर हमारा है रिवर्स, और फिर हमारा है क्रॉस। अब हमारा पैटर्न चलेगा पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न में क्या होता है, पोजीशन पैटर्न में क्या होता है, अक्षरों की पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है। जैसे मदर, मदर को लिखा है इन्होंने एस,
आर ई एच टी ओ एम, जैसे ये मदर्स लिखा है तो इसकी जो है ना पोजीशन चेंज कर दी, जैसे ये मदर्स लिखा है तो इसकी दिशा हमने चेंज कर दी, हमने इस तरह से बना दिया। और इसको अगर हम पलट लेते हैं तो तब भी यही आएगा, जो हमारा पहला अक्षर है वो सबसे लास्ट में चला गया, जो दूसरा है वो उसके पीछे, टी उसके पीछे, एच उसके पीछे, और ई उसके पीछे, और आर उसके पीछे, और एस उसके पीछे, मतलब एम से शुरू किया, या तो हम एम से शुरू करते हैं पीछे से लिख सकते हैं, या फिर एस से ही एम लिख सकते हैं, एस आर ई एच टी ओ और एम, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, जैसे बी आर ओ यू जी एच टी, तो हम यहीं से लिख सकते हैं टी एच जी यू ओ आर बी, ये हमारा होता है रिवर्स पोजीशन पैटर्न, ये हमारा पोजीशन पैटर्न होता है, ठीक है। इसमें भी कई तरह से सवालों को दिया जा सकता है, जैसे ये देखो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी शब्द के दो दो अक्षरों को अलग विपरीत क्रम में लिखा गया है और अंतिम अक्षरों को दो अक्षरों को समान रखा गया है, जैसे ह्यूमिडिटी ले लिया, जो दो दो के पेयर बनाए, और जो लास्ट वाला है इसको बिल्कुल सेम रखा टी वाई पे, ठीक है, और एच यू, तो यू और एच लिखेंगे, यू और एच लिख दिया, ठीक है, इसको हमने रिवर्स कर दिया, पोजीशन इनके दोनों की चेंज कर दी। अब एम और आई, तो हम लिखेंगे आई और एम, आई और एम लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है डी और आई, हम लिखेंगे आई और डी, आई और डी लिखा, और टी और वाई की पोजीशन जो ऐसे के ऐसे रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं किया, तो हम जो हमें दिया गया है, हमें दिया गया है पी ओ एल आई टी आई सी एस, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये रहा पी ओ की पोजीशन चेंज कर देंगे, और लास्ट वाले जो युग्म हमारा होगा उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो हमारा अक्षर इसी तरह से जो का तू रहेगा, पी ओ ओ पी एल आई आई एल टी आई आई टी सी एस सी एस, जैसे था ऐसे ही रखा, ठीक है, एक ये हो गया। अब इसमें दो अक्षर भी हो सकते हैं, तीन अक्षर भी हो सकते हैं, चार अक्षर भी हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी आर ई ए के टी एच आर ओ यू जी एच को ई ए ओ यू एच आर बी आर जी एच के टी लिखा जाता है, उस सांकेतिक भाषा में एस यू बी एस टी आई टी यू टी आई ओ एन को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें क्या है, दो दो अक्षरों के युग्म में विभाजित कर लिया और इन पर संख्यांकित कर दी, संख्यांकित करने पर इन युग्मों के स्थान परिवर्तन कर दिए गए हैं, जैसे बी आर को वन, ए आर को टू, के टी को, दो दो के युग्म बनाए और वन टू थ्री फोर और सिक्स तक के नंबर लिख लिए। अब इसने क्या किया, इसने सबसे पहले टू नंबर लिखा, ठीक है, यहाँ से हम टू देखेंगे तो टू नंबर लिखा हुआ है, टू लिखा, फिर फाइव लिखा, फिर फोर लिखा, फिर वन, फिर सिक्स, फिर थ्री, हम बिल्कुल सेम डिटो ऐसे ही कर देंगे जी, इसमें इसके दो दो अक्षर लेंगे और इन अक्षरों के नीचे वन टू थ्री और फाइव और सिक्स लिख देंगे, जिस तरह से पोजिशन में इस अक्षरों को लिखा गया सबसे पहले टू, हम भी यहाँ से टू को सबसे पहले लिख देंगे, इस तरह से होता है पोजिशन पैटर्न, ठीक है। फिर इसने लिखा फाइव, हम भी यहाँ से फाइव को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ लिखा इसने फोर, अब हम भी यहाँ से फोर उठाएंगे और फोर लिख देंगे, यहाँ लिखा वन, हम वन को उठाएंगे और वन लिख देंगे, यहाँ लिखा सिक्स, हम सिक्स को उठाएंगे और सिक्स नंबर पर लिख देंगे, थ्री को उठाएंगे, थ्री टी आई लिख देंगे, इस तरह से भी दिया जा सकता है, जब इस तरह से दिया जा सकता है। अब हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टी एच ए एन के एस को एस के एन टी एच और ए लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एस टी यू पी आई डी को कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें क्या आया, अक्षरों को तीन तीन
अक्षरों के युग्म में तोड़ दिया गया। पहले को जैसे टी एच ए लिखा गया है तो इसको लिखा टू नंबर पर, इसे वन और टू का नाम दे दिया और एन के एस को टू। तो जब एन और एस को टू दे दिया, हमें जो दिया गया है एस टी यू इसको एक नंबर और पी यू पी आई डी को हम दो नंबर दे देंगे। हमने देखा कि दो पहले लिखा हुआ और वन बाद में, तो हम भी यहाँ से वन और टू लिखने के बाद हमें टू, जैसे टू वहाँ दिया हुआ हम टू यहाँ लिखेंगे और वन है तो यहाँ हम वन लिखेंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब होता है विपरीत अक्षर पैटर्न। विपरीत अक्षर में होता है ए और जेड एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बी और वाई एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसे लिखते हैं बाई, सी एक्स इसे लिखते हैं सिक्स, तो सी और एक्स इससे आप याद कर सकते हैं कि ये विपरीत हैं। डी और डब्लू डी, ई और वी इसे लेते हैं इवनिंग, एफ और यू फोर, जी और टी जी टी रोड, एच एस हाई स्कूल, आई आर इंडियन रेलवे, जे और की जंगल क्वीन, के और पी कानपुर या फिर कमला पसंद, एल ओ लव या फिर होता है लोयन, एम और एन मैन। ठीक है, ये हो गए हमारे विपरीत अक्षर। एम का विपरीत एम होगा और एल का विपरीत ओ होगा, के का विपरीत पी, जे का क्यू, आई का आर, एच का एस, जी का टी, एफ का यू, ई का वी, डी का ये डब्लू और सी का एक्स, बी का वाई, आई का जेड। ये तीनों अक्षर, ये सभी अक्षर एक दूसरे के विपरीत अक्षर होंगे। इन अक्षरों में कोई पैटर्न चेंज नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है विपरीत अक्षर को हम देख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लोवर को यू ओ एल डी वी आई लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टी ई आर एम आई एन ए एल को कैसे लिखा जाएगा। एफ एफ का विपरीत होता है यू, ठीक है, एफ का विपरीत होता है यू। ऊपर हम देख सकते हैं ऊपर अक्षर हैं, नीचे हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो एफ का होता है यू, एल का होता है ओ लॉयन, ओ का होता है एल लॉयन, डब्लू का होता है हमारा डब्लू 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 का होता है डिव, डिव को लिखेंगे डी और ई का होता है इवनिंग और आर का होता है इंडियन रेलवे, तो आई हो गया। अब टी का होता है जी, जी टी रोड, जी होगा तो जी हमारा ऑप्शन ये है और बाकी ऑप्शन जी नहीं है, तो ये ऑप्शन गए कट, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब ई, ई को लिखते हैं हम यहाँ से ई का वी इवनिंग, ई का लिखेंगे वी। अब आर है, आर का लिखेंगे इंडियन रेलवे, आर का लिखेंगे आई, इस तरह से लिख सकते हैं। एम है, एम हमारा एन हो जाएगा और अब हमारा आई, आई हमारा हो जाएगा आर इंडियन रेलवे, एन हो जाएगा एम और एन एक दूसरे के विपरीत एम हो जाएगा, ए का हो जाएगा जेड, एल का हो जाएगा लॉयन, लॉयन का होगा ओ। तो इस तरह से विपरीत अक्षर होते हैं बस, और कुछ नहीं होता है विपरीत अक्षर में। इस तरह से विपरीत अक्षर हो सकते हैं। अब इनको देने का तरीका क्या होगा, जैसे इस तरह से भी क्वेश्चन को दे सकते हैं, जैसे ये यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में के आई एन जी को टी एम ए आर और फी लिखा जाता है तो उस सांकेतिक भाषा में आर ए आई एल को क्या लिखा जाएगा। तो के हमने देखा, के को लिखा क्या, के को लिखा कमला पसंद या फिर कानपुर, तो के का अक्षर हम शब्द की जो पोजीशन देखी वो फोर्थ पर देखी, तो क्रॉस बन गया भाई, ये तो क्रॉस जब बन गया ये रहा क्रॉस। अब आई, आई होता है इंडियन रेलवे, अब आई होता है उसके बाद आर है तो ये पीछे से चल रहा, तो ये कहाँ जा लिया, ये जा लिया हमारा रिवर्स पैटर्न पर, रिवर्स पैटर्न को फॉलो कर रहा। एन, एन होता है हमारा एन, एन का उल्टा एम, एम का उल्टा एन, और फिर होता है जी और जी टी रोड, जी के आएगा उल्टा टी, तो ऐसे बिल्कुल
हमारा जो हमने पैटर्न पढ़ा था रिवर्स पर, रिवर्स पैटर्न, उस रिवर्स पैटर्न पर ये आधारित है। आर का होता है इंडियन रेलवे, आर को लिखेंगे आई, यहाँ आएगा आई। अब ए, ए का होगा जेड, ये होगा जेड। अब हमारा आई, आई का होता है इंडियन रेलवे आर, तो ये हो गया आर। एल, एल का हो गया हमारा, एल का हो गया लोएन ओ, तो ये हमारा आंसर हो गया सही। तो इस तरह का पैटर्न बनाकर भी हमें क्वेश्चन को दे सकता है, जैसे आर का, आई, ए का, जैसे भी ऊपर के अक्षर में हमने पैटर्न फॉलो किया था वही पैटर्न हम इस अक्षर में भी फॉलो करेंगे। दो दो के अक्षर भी बना कर दे सकता है, जैसे एच ए एन डी को जेड एस डब्ल्यू एम लिखा जाता है, तो उसे सांकेतिक भाषा में एस आई एल के को क्या लिखा जाएगा। एच ए एन डी को दो दो अक्षरों के युग में तोड़ लिया और एच को लिखा एस, ए को लिखा जेड, एन को लिखा एम और डी को लिखा डब्ल्यू। तो एस को एच लिखा, आई को आर लिखा, एल को ओ लिखा और के को पी लिखा। इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें विषम को छांटिए, जो इनका विषम होगा इस तरह से भी आ सकता है, जो इनका पैटर्न के अनुसार होगा ना। आई इंडियन रेलवे, ये बिल्कुल इंडियन रेलवे बिल्कुल सही है। एम एन बिल्कुल सही है, विषम मतलब अलग है, जो बिल्कुल जो शब्द फॉलो पैटर्न को फॉलो नहीं करता है उसको हमें देखना है। या फिर ये बिल्कुल तीन तीन अक्षर इसमें अलग होते हैं और एक सर एक जो शब्द दिया गया आंसर वो बिल्कुल सही होता, या तो इस तरह से होगा बिल्कुल अलग को छांटना है। अब ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, जी टी रोड, ये भी एक जैसा, के सी यहाँ होता, या तो होता जंगल, ये यहाँ तो होता कानपुर, या फिर होता पी के पी, या होता सी क्रैक्स, सी या एक्स, एक्स होता, लेकिन ये के और सी है तो ये अलग है, ठीक है। इस तरह से पैटर्न को हम फॉलो कर सकते हैं। अब हमारा आएगा इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न में क्या होगा, इलॉजिकल पैटर्न इसमें लॉजिक नहीं लग रहा होगा, यह इलॉजिकल पैटर्न है, कोई लॉजिक नहीं होता इस पैटर्न का। जैसे ई ए एस टी ईस्ट, ई ए एस टी ईस्ट, टी एस ई डब्ल्यू, डब्ल्यू ई एस टी, डब्ल्यू ई एस टी, इस तरह से लिखा जाता है। एच टी आर ओ एन को लिखा एन ओ आर टी एच, एन ओ आर टी एच, और एच टी यू ओ एस को लिखा एस ओ यू टी एच, साउथ। इस तरह से कोई भी पैटर्न बन सकता है, जैसे किसी दिए गए सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं वाई एल सी, वाई एल ई ए आर, ईयरली, ईयरली को लिखा है इन्होंने सबसे पहले ई, फिर ए, फिर आर, तीन अक्षर ले लिए। अब बाद के दो एल और वाई, अब यहाँ से इस तरह चले और यहाँ से इस तरह चले। अब हम यहाँ से चलेंगे टी ई एल ए, पहले चलेंगे एल ए और फिर टी और ई, इस तरह से चलेंगे, ठीक है। डी एल ओ सी, तो सी और ओ, एल और डी, कॉल्ड, इस तरह से होगा। पहले पहले तीन, फिर दो, फिर दो, फिर पहले दो, फिर बाद के दो, फिर पहले दो, फिर बाद के दो, इस तरह से चला हमने, तो ये हो गया हमारा इलॉजिकल पैटर्न। इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। जैसे सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में एस एम टी डब्ल्यू, और यहाँ कुछ मिसिंग था एफ और एस, तो सब ने बच्चों ने दिमाग लगाया कि क्या एस एम, एस 19 होता है, सिक्स माइनस हो गया, फिर टी 20, फिर फोर हो गया, फिर माइनस डब्ल्यू, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होता था। अब हम यहाँ सिंपल से देखते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये दिनों के नाम थे, तो ये दिनों के नाम थे। अब यहाँ आ जाएगा थर्सडे, टी आएगा इसका आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, एस एम टी डब्ल्यू टी एफ और एस, सभी दिनों का पहला अक्षर ले लिया और ये लिख दिया संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे। तो अब हम कल करेंगे नंबर कोडिंग।
चलिए दोस्तों, ठीक है, हम क्लास को समाप्त करते हैं।